और अब हाथ धोने के बारे में बल्कि दो तीन सुन्नतों के बारे में तो अब पूरी दुनिया ही जान चुकी कि इसकी अहमियत और हिकमत क्या है। ख़ास तौर से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बाहर से तशरीफ़ लाते थे तो मिसवाक करते थे, तो मिसवाक में ज़ाहिर है मुँह की सफाई है। और आजकल भी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर लोग कुल्ली करने, मुँह साफ़ करने का मशवरा देते हैं। इसी तरह बैतुलखला में जाने से पहले, ख़ास तौर से रात को उठ के बैतुलखला में जाने से पहले भी गट्टों तक हाथों का धोना सुन्नत है। और इसके अंदर भी यही हिकमत है कि बीमारी से बचने के लिए आप जल्द से जल्द हाथ धोने चाहिए बाहर से आने से पहले। अब ये बात लोग भी यानी साइंटिस्ट भी, दुनियादार भी कह रहे हैं, हालांकि ये सुन्नत पहले से शरीयत के अंदर मौजूद है। ठीक वैसे नाक की सफाई को लेकर के उठकर मुंह साफ़ करना, कुल्ली करना और नाक साफ़ करना। अभी वजू के अंदर नाक साफ़ करने का जो हुक्म था सुनने में ऐसा लगता था मतलब इस इबादत में नहाना समझ में आता है, नाक साफ़ करने का क्या मसला है। लेकिन नाक से जितनी बीमारियाँ होती हैं ये भी दुनिया ने देख लिया कि सुन्नत में भी कितनी ज़्यादा हिकमत है। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए सुन्नत पे अमल के मामले में।